काले अलग है मैडम, एक कल वहाँ पे काम पे बात करी थी, वहाँ पर हमारे घर से अंदर तो कहा गया कि जनरल के थ्रू एंट्री होगी और कोई भी सिविलियन नहीं रहेगा। कल चोरी छुप के सिविलियन की एंट्री करवाई जा रही थी, पेपर लिए जा रहे थे, लगभग 150 लोग थे। जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो ओपनर ने अपनी गलती मान ली कि मिस्टेक हुई है, उन्होंने पेपर कैंसिल किया। लेकिन इतनी बड़ी धांधली गेम्स में एक सरकारी संस्था है और जिसके अंदर बिना किसी नोटिफिकेशन जारी किए वो लोग पेपर ले रहे, इनका जीवन पहले ही खतरे में, इनको पहले ही एम्स से धक्का लेके बाहर निकाल दिया और इनको हवाला दिया, मंत्री जी ने भी हवाला दिया था रहेगा। फिर हम जब वहाँ पे पहुंचते हैं सब लोग तो उपनगर के अधिकारी ने अपनी गलती को माना कि हमें मिस्टेक हुई, पुलिस मौके पर खड़ी होते हैं, पुलिस को बोला कि भाई ये लोग जो एंटर हुए हैं, जिनके पेपर हो रहे हैं, इनकी आप रजिस्टर की एंट्री चेक कर लो, हम आपको रिटर्न में दे देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं, आप सीसीटीवी फुटेज ले लो, पुलिस के हाथ खड़े, पुलिस लेने के लिए तैयार है, बताइए हम कहाँ जाएंगे, किसी समस्या किसको बताएंगे। अगर आप इसमें जो भी आप कार्रवाई हो रही है तो आप दे दीजिए, लेटर दे दीजिए, जांच करवा लेते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू तो नहीं है ना, आप दे दीजिए मैं ले लेती हूँ और करवा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, विचार कर लेते हैं एक बार आपस में, जैसे भी हमारा विचार बनता है तो मैडम इसमें क्या है, देखिए जैसे कल गए भी थे वहाँ, समझो कैसा व्यवहार वहाँ किया गया, सिविलियंस को वहाँ बुलाया भी गया था तो पहली प्रायोरिटी जो घूमने पे बैठे थे, ऐसा तो नहीं कि किसी को पता नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, पहली प्रायोरिटी इन्हें देनी थी उन्होंने, अगर सिविलियंस को वहाँ अपॉइंट करना नहीं था पहली बात तो किसी को पता नहीं चला। यही हम लोग कहना चाह रहे हैं, उत्तर बहुत बड़ी धांधलेबाजी कर रहा है और अभी देखिए उत्तराखंड प्रदेश में चली गई कैसी कैसी घटनाएं चल रही है पेपर लीक को लेकर, उसके बावजूद सब कुछ पता होने के बाद भी एम्स चोरी छुपके वहाँ पेपर ले रहा है, 120 लोगों 120 से ज्यादा लोग थे वहाँ पे, सीसीटीवी फुटेज के लिए भी हम बोल चुके हैं पुलिस को कि भी आप अपने कवर में ले लीजिए, लेकिन पुलिस वो भी करने के लिए तैयार नहीं। चलिए आप दे दीजिए, आप पहले विचार कर लीजिए, जैसा भी होता है पहले आप सलाह कर लीजिए। थैंक यू, एक बार यहीं पे सारे एसडीएम से बातचीत करते हुए बैठ जाओ सभी लोग यार।